आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चुनावी साल में उठापटक का दौर लगातार जारी है, कोई सियासी रायता फैला रहा है तो कोई उसे समेटने में लगा है। विदेश दौरे के बाद पायलट मरुधरा पर फिर से लैंड कर चुके हैं और विवादों की आंधी में लड़खड़ाते हाथ के विमान को थामने में जुट गए हैं। कांग्रेस में चेहरे पर चिपचिप के बाद संगठन में शक्ति का नारा फिर से जोर पकड़ने लगा और प्रदेश कांग्रेस के अर्जुन ने मछली की आग पर निशाना साधने की पूरी तैयारी कर ली। सीएम चेहरे के नाम पर हुई बयानबाजी से कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई। चुनावी साल में प्रदेश कांग्रेस बिखरी बिखरी और गुटों में बटी नजर आई, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट विदेश दौरे से लौटे उन्होंने सीएम चेहरे के विवाद पर जो प्रतिक्रिया दी वो राजनीति में किसी नजीर से कम नहीं। लीडर क्या होता है जो पार्टी को एक साथ लेकर चले, इस तरह से नीचे बयानों को नजरअंदाज कर गरिमा को बनाए रखे और लक्ष्य को भेदने के लिए समर्पित रहे, तो बड़ा सवाल क्या अर्जुन की तरह सचिन पायलट भेद पाएंगे भाजपा को हराने का लक्ष्य। बिग फाइट में बहस इसी बड़े मसले पर हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। फर्स्ट इंडिया के ट्विटर हैंडल पर आप भी अपनी राय दीजिए, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के चेहरे को लेकर चिकचिक अब थमने की कगार पर है। विदेश यात्रा से लौटते ही मामले में पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी और तमाम अटकलों पर ब्रेक लगाने की कोशिशें की। पायलट ने कहा कि मुझे तब पीसीसी चीफ बनाकर राहुल गांधी ने भेजा जब राजस्थान में आजादी के बाद कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी। उस वक्त और भी बड़े बड़े नेता थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन पर भरोसा नहीं जताते हुए मुझे ये जिम्मेदारी दी। अब मुझे तो केवल लक्ष्य हासिल करना है। हमारी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो पूरे जोर शोर से चल रही हैं। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और राहुल जी के आने से निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत बल मिलेगा और उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। पायलट ने किसी का नाम लिए बगैर स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो आज बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें पार्टी के हित में सोचना चाहिए क्योंकि आज जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने। पायलट ने कहा कि 130 साल पुरानी कांग्रेस किसी एक व्यक्ति और किसी एक नेता की पार्टी नहीं है, इसमें तमाम नेताओं का सामूहिक योगदान रहा है। सबने मिलकर काम किया तब जाकर पार्टी मजबूत हुई है। लक्ष्य यही होना चाहिए कि कैसे हम कांग्रेस की सरकार बनाएं। हम लोगों को बहुत कुछ पार्टी ने दिया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, नेताओं की बात कर रहा हूँ। जो आज नेता हैं बहुत बड़े बड़े, उनको प्रदेश और देश में जो स्थान मिला है वो पार्टी की बदौलत मिला है और पार्टी को किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो, जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, जनता चाहती है कि पार्टी की सरकार बने, उसमें सब लोगों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। पायलट ने कहा कि रही बात किसी पद की तो कांग्रेस ने मुझे बहुत कम समय में बहुत कुछ दिया है। 26 की उम्र में मैं सांसद बन गया, 31 साल की आयु में केंद्र में मंत्री बना दिया, 35 साल में राज्य के पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दे दी, वो भी ऐसे वक्त पर जब राजस्थान में कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी। लिहाजा अब मेरा लक्ष्य तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी को जिताना और भाजपा को हराने का है, अब वक्त पार्टी को देने का है। 35 साल की उम्र में इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी, हम मात्र 21 सीट जीत कर आए थे और मेरे को लगता है कि आज़ादी के बाद से आज तक इतनी कम सीटें कांग्रेस की नहीं आई हैं, तो ऐसे कठिन चुनौतीपूर्ण समय में मुझ पर विश्वास जताया, ये भी मैं पार्टी का ही बड़प्पन मानता हूँ कि और भी बहुत नेता थे जो बड़े पदों पर रह चुके थे, उनमें ना विश्वास जताते हुए राहुल जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, तो उसको तो मुझे पूरी तरह निर्वहन करना है। रास्ते में कितनी भी अटकने आएँ, कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, लेकिन मेरा एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा जताया है उस भरोसे का मुझे पूरी तरह निर्वहन करना है। जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट ने ऐसा बयान देकर अब इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। साफ और स्पष्ट शब्दों में सबको मैसेज भी दे दिया है कि आलाकमान और पार्टी की क्या सोच है। बगैर किसी नेता का नाम लिए और सदी हुई टिप्पणी से पायलट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब देखना होगा कि पायलट के बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे और दूसरे नेता इसे किस तरह लेंगे। दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद है। हमारे साथ ही कांग्रेस नेता सुशील आसोपा जी, पत्रकार ओम सैनी जी और साथ ही बीजेपी नेता मनीष पारिक जी भी इस चर्चा में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब ओम सैनी जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल रहेगा,
कि विवादों का जो विमान था उसे आज हैंडल तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया सचिन पायलट ने, लेकिन आप किस तरह से इसे देखते हैं? क्या विवाद यहां पर थमेगा, खत्म होगा या फिर अंदर ही अंदर सुलगता रहेगा? नहीं, कांग्रेस की हिस्ट्री के मुताबिक तो निश्चित रूप से सचिन जी ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, लेकिन एक चीज सीखना भूल गए, कामराज बहुत कम बोला करते थे और बहुत कम बोल करके कांग्रेस को बड़ा मजबूत बनाया उन्होंने, साथ साथ में हिस्ट्री का एक पन्ना और भूल गए कि 77 में जनता पार्टी ने सब कुछ कांग्रेस को साफ कर दिया था। ये पहला मौका नहीं है कि कांग्रेस प्रदेश में 21 पे सिमटी है, उस वक्त भी यही हाल हुआ था, लेकिन जिस तरीके से वो युवा हैं और उनको जो कुछ उनकी उपलब्धियां हैं वो उनके लिए अर्थपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन जो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से जो टिप्पणियां हैं ये मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सब समझते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के लिए बेचैन है जनता, उनके साथ में जुड़ने के लिए बेचैन है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा विनम्रतापूर्वक सारे अहंकार को एक कोने में रख करके अपने शब्दों की जुगाड़ के बजाय सबसे जोड़ने की बात होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि अभी हो नहीं रही। अच्छा, लेकिन सर गहलोत साहब ने भी तो जो कहा था उसके कंपैरिजन में किस तरह से देखेंगे सचिन पायलट के इस बयान? देखिए, गहलोत इस प्रदेश का नहीं, वो इस देश के बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस के प्रधान महामंत्री के साथ साथ में संगठन मंत्री हैं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने की जिम्मेवारी है उन पर, उससे तुलना मत कीजिए सचिन पायलट की। जूनियर है अभी तक, तो बहुत काम इनको करना पड़ेगा अशोक गहलोत की हैसियत हासिल करने के लिए। राजस्थान के लिए जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाई है, दो लोकसभा की सीटें जीती है और विधानसभा में हैसियत हासिल की, और बीजेपी को बिल्कुल तजुर्बे और उम्र में भी कमी है सचिन पायलट अशोक गहलोत से, और इसलिए शायद आप कह रहे हैं कि इनमें तुलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुशील आसोपा जी, सियासत से संन्यास लेने की नसीहत आपने सलाह दी थी कभी अशोक गहलोत साहब को, क्या अभी भी आप उसमें कायम है? नहीं, अब आप बहुत पुरानी 2.5 साल पुरानी बात का संदर्भ ला रहे हैं, उसका अगर वो बात कही तो उसके बाद मैंने क्या लिखा था वो भी आपने पढ़ाई होगा, उसका नहीं, आज की बात पे चलिए, वो बात पुरानी थी, कभी आपने कहा था, इसलिए मैंने कहा कभी आपने कहा था, आज के संदर्भ में कैसे देखेंगे आप जिस तरह से लगातार सचिन पायलट को लेकर बयान यहाँ पर गहलोत साहब की तरफ से आते रहे और सचिन पायलट का आज जिस तरह से प्रतिक्रिया उनकी रही? सचिन पायलट जी को मैं जब से कांग्रेस से जुड़ा हूँ, देखिए मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो बहुत एक जिम्मेदार सरकारी पद पे 4 साल मेरे बाकी थे जब मैं कांग्रेस पार्टी की 21 सीटें आई थी, उसके बाद मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, इसलिए कांग्रेस मेरे डीएनए में, उसकी सेवा करने आया हुआ हूँ यहाँ पर, और मैं सचिन पायलट जी के साथ जब जुड़ा तब से मैं उनको देख रहा हूँ। सैनी साहब कुछ भी कह रहे हैं मैं उस पर इत्तफाकी थोड़ी सी हटके रखूँगा, वो इसलिए कि वो एक ऐसे शख्स को मैंने देखा है, एक ऐसे नेता को मैंने काम करते हुए देखा है जो पहले दिन से जिस लेवल पे भी हम थे एक संस्था के रूप में कांग्रेस को चला रहे हैं, इतने उपचुनाव हुए, इतने दूसरे चुनाव हुए, पंचायती राज गए हुए, मैंने उनको नज़दीक से देखा है कि वो हर पदाधिकारी को उसकी जिम्मेवारी दे करके उसको काम करने की खुली छूट देते हैं, और वो छूट की वजह है कि वो फील्ड में जाके परिणाम ला के दे रहे हैं, और वो इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि कौन व्यक्ति कहाँ उसका लगाव है, यानी सीएम चेहरे को लेकर सचिन पायलट बिल्कुल भी मुखर नहीं है। आज जो उन्होंने कहा है मैं उसको उस पे टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि शॉर्ट में सर वक्त कम रहता है, एक लाइन में मैं बात करता हूँ कि किसी भी पार्टी का जो मुखिया है और जब 4 महीने बाद चुनाव में जाना है तो उनको सबको एक संदेश देना जरूरी है कि पार्टी में एक पोजीशन में हम आए हैं तो पार्टी की बदौलत आए हैं, और पार्टी को आज वापस देने का समय है, क्योंकि 21 से 120 पे 150 पे हमें पहुंचना है, तो हम मिलजुल कर सब आगे बढ़ेंगे तभी उस मछली की आंख को भेद पाएंगे, ये संदेश उन्होंने दिया है। चलिए मनीष जी, सचिन पायलट का तो लक्ष्य यहाँ पर क्लियर है, भाजपा को हराना है एकमात्र लक्ष्य, यानी अर्जुन का लक्ष्य है, ये सियासी महाभारत में लक्ष्य यहाँ पर तय कर लिया अर्जुन ने, किस तरह से अब बीजेपी इसे लेती है और क्या बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है या बीजेपी आश्वस्त है कि वापसी हो रही है? नहीं श्वेता, वो तो उन्होंने अर्जुन की आंख और ये मछली ये सब तो ठीक है, लेकिन वो तो सिंगल लेवल क्रॉस लेवल काम था, यहाँ 5 गुनी छलांग लगानी पड़ेगी, 21 पर है, 105 करने हैं तो 5 गुने चाहिए, और 5 गुने छलांग लगाने के लिए रनवे पे दौड़ना पड़ता है, कांग्रेस रनवे पे ही नहीं है, भले ही पायलट चीफ है। दूसरी बात ये आप कहिए बीजेपी को पिछली बार 80 सीटें मिली थी, उसके बाद 160 हो गई, डबल छलांग लगानी पड़ी और हम सत्ता में फुल मेजोरिटी में आए। अब कांग्रेस की पोजीशन इस प्रकार की है कि नीचे तक जो उनका
ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कुछ है वो चकनाचूर हुआ है। 21 विधायक रह पाए हैं, बाकी लेकिन मनीष जी कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। दिल्ली कभी वोट वक्त था जब एक लहर थी और लगातार हर जगह बीजेपी थी, लेकिन दिल्ली में कमाल नहीं कर पाई, खुद राजधानी में नहीं कमाल कर पाई। समय होता है सर, संवेदनाओं का ज्वार था। संवेदनाओं का ज्वार एक बात होती है और एक धड़कने, दिल के धड़कने की बात है। आप सोचेंगे दिल 72 बार से कितनी बार धड़क सकता है, सवाल ये है। तो बस्ट आउट होना है क्या? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये संवेदनाओं का ज्वार नहीं है, ये दिल की एक रेगुलर धड़कन है, उसके लिए काम करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में दौड़ी हुई है पूरे समय से। चलिए मनीष जी, यानी कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। सुशील जी, पारिक साहब की क्रिकेट की भाषा में मैं बोल देता हूँ कि हमने छलांग तो पंचायती राज चुनाव में लगा ली थी कि 91 से 95 पे, कि जब वो वोट प्रतिशत को आप कन्वर्ट करेंगे तो 90-92 सीटें तो हमारी पंचायती राज चुनाव में ही हो गई थी। अब तो हमें थोड़ा सा ही आगे बढ़ना है। आप पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 33 जगह जिला प्रमुख बनाए हैं जी। अब आप बताओ, मैं तो आपको बता रहा हूं, और अगर आप 1097 सीटों में से मनीष जी जो जीता है वो तो जीत चुके हैं सर, जो जीता है वो जीत चुके हैं। 645 में भाजपा की आ जाइए, आज ले लीजिए, जितने उपचुनाव हुए हमारा वोट प्रतिशत 52 से लेके 55% रहा है, इनका 40 से लेके 42% रहा है। आप कैसे कहते हैं कि हम क्रॉस कर चुके नहीं रहा है? आप देखिए आंकड़े उठाइए, 52% तो कभी नहीं रहा। आप अजमेर में आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, अलवर में 55% मिला है, 52% लगा रखा है। चलिए ठीक है सैनी साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि राजस्थान को भी एमपी बनाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस में की जा रही है? जिस तरह से कांग्रेस में नए युग की बात की जाती है, युवाओं को सामने लाने की बात की, एमपी में जो हो रहा है मध्य प्रदेश में वो दिख रहा है, कि ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर युवाओं को आगे आने में जो वरिष्ठ है उन्हें सहयोग करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा गलत ख्याल है। हाँ। कांग्रेस की मैं विभाजन की बात नहीं कर रहा, विघटन की बात नहीं कर रहा, गुटों की बात नहीं कर रहा। हाँ। कांग्रेस ऐसी रही है हमेशा और ऐसे ही आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए जो इस वक्त जनता में जो चाह है किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, वो बड़ी महत्वपूर्ण है और वो सबको लग रहा है। इसलिए सब लोग अपना ये जो चेहरा देने रखने वाली बात है ये कांग्रेस की परिपाटी नहीं रही है। तो शुरुआत क्यों की गई? ये सिर्फ चर्चा के लिए, देखिए कुछ तो हम लोग कर देते हैं और जब सामने वाले के सामने अगर कोई सवाल रखा जाता है और अगर उससे थोड़ा सा भी स्लिप हो जाता है तो उसके बाद में बतक्कड़ तो बन ही जाता है, बड़ा सहज है। अब पायलट के बारे में, पायलट युवा है, प्रभावशाली तरीके से काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं, लेकिन वो अपने बड़ों के लिए जिस तरह की बात सोचते हैं वो मेरे को लगता है कि वो ठीक नहीं है। तभी मैंने कहा कि कामराज की तरीके से, कामराज की तरीके से, ये कहते हैं कि गहलोत को फॉलो कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनकी बातों में तो ये दिखता है सर। आप किस तरह से बोल रहे हैं सर? कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। देखिए गहलोत को फॉलो कर रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ कि पीसीसी चीफ को, राजस्थान के पीसीसी चीफ को इस वक्त कामराज को अपना आइडियल बनाना चाहिए, कम बोलना चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा जगह पड़ा हुआ है आगे बढ़ने के लिए। कम बोलना चाहिए। सुशील जी मतलब सर का कहना तो ये है कि कम बोलना चाहिए, यानी कि जो भी सचिन पायलट ने बोला वो भी उन्हें नहीं बोलना चाहिए था पीसीसी चीफ होने के नाते। अशोक गहलोत ने जो बोला शायद इसको फेवर कर रहे हैं आप साहब। वो संगठन मंत्री है, संगठन मंत्री पूरे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सर, राजस्थान में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। मैं इसको दूसरे रूप में प्रेजेंट करूंगा। हमें भाजपा से मुकाबला करना है, भाजपा की कमजोरियों को जनता के सामने। और लेकिन सर पहले आप अपनी पार्टी में तो मुकाबला कर लीजिए सर, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। चार उदाहरण आधे आधे लाइन में बताता हूँ। राजस्थान का इतिहास का सबसे बड़ा खान घोटाला हुआ। हाँ। दिल्ली की सड़कों पे पायलट साहब, गहलोत साहब, सीपी जोशी जी, सारे नेता पैदल गए सीवीसी के ऑफिस में, पैदल गए सीबीआई के ऑफिस में। यहाँ जितने उनकी वो काला दिवस हम मनाते हैं इनकी 13 दिसंबर को, पीसीसी से लेके सिविल लाइन फाटक तक 2 बार अशोक गहलोत साहब और पायलट साहब साथ गए हैं। कहने का मतलब एक सचिन पायलट जी के जो कर्म है वो सामने दिखाई दे रहे हैं, जो सब नेताओं को विश्वास में लेके काम कर रहे हैं, उसी से कांग्रेस सामूहिक रूप से मजबूत हुई है, यही बार बार वो कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि 21 सीटों में छोड़ा गया था, सौंपा गया था और उसके बाद से जो जीत यहाँ पर दिलाई है वो उसकी बात कह रहे हैं। मनीष जी चलिए, कांग्रेस में गतिरोध है, आपस में लड़ाई है, सीएम के चेहरे को लेकर ये वार चल रहा है, पलटवार हो रहा है, यहाँ पर बयानबाजी हो रही है। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी इसको लेकर सवाल उठा रही है कि तो अंदर ही लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में भी तो सब ठीक नहीं है सर। एक चेहरा तो आपने दे दिया क्योंकि चेहरे के सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं था जिसको खड़ा किया जा सकता था, लेकिन लड़ाई तो अंदर भी है। अगर ये आपस में लड़ ही रहे हैं तो बीजेपी में भी तो तिवारी जी के साथ क्या हुआ? या तो उन्हें मना के रख लेना चाहिए, कम से कम पार्टी तो अलग नहीं बनती। नहीं,
नहीं, वो तो जो व्यक्तिगत अपना जिनका रवैया है वो उस हिसाब से काम होगा श्वेता, वो अलग बात है। बात यह है कि बीजेपी की जो कार्य पद्धति है उसमें कोर कमेटी का स्थान है, 15 लोग उसमें हैं, वही फैसला करते हैं, और जब तक वो सर्वसम्मत नहीं होते हैं, जब तक कोई फैसला नहीं होता है। मैंने आपको कहा इसमें, अभी आपने पहले देखा है कि 42 डेज में प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये तो खुशकिस्मती बड़ी बात है, ये सर्वसम्मति बनाने का तरीका है, ये लोकतंत्र की जीत है। वो बताते हैं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जब गांधी जी ने कह दिया है, दोनों का अपना अपना मत है सर, देखिए अगर आपके यहां यही चीजें सर अगर कांग्रेस में होती तो बीजेपी भी सवाल उठाती, बीजेपी भी कहती है कि इतना वक्त लग गया प्रदेश अध्यक्ष बनाने में। तो देखिए चलिए, एक अहम चीज है, ट्विटर पर इसे लेकर आज हमने पोल किया, ट्विटर पर पोल किया, सवाल था हमारा कि क्या अर्जुन की तरह सचिन पायलट यहाँ पर भाजपा को हराने का लक्ष्य भेद पाएंगे, और इससे लेकर जो नतीजे आए हैं पोल का नतीजा ये है कि 70% लोग इसके साथ है, यानी हाँ में उनका जवाब है, तो 23% लोगों का कहना है नहीं, यानी क्या है इसके मतलब, क्या है मायने, सवाल भी ले लेते हैं सर। देखिए ये पोल के नतीजे है जहां पर 70% हाँ के साथ है, यानी कांग्रेस के साथ है। अभी मनीष जी, इससे पहले बात हो रही थी, आपने कहा 21 सीटों पर सिमटे हैं, 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए पोल के नतीजे तो ये है। ये तो फटाफट पोल है श्वेता, फटाफट में मैं नहीं समझता हूँ कहीं पे कोई अपन कह सकते हैं कि प्रॉपर विचार हुआ होगा। अच्छा। मतलब जो लोगों ने किया, अगर इसको आप अवधि बढ़ा देंगे हो सकता है कल तक इसके बदल ही जाएंगे मायने। चलिए जितनी अवधि में थे उसमें तो ये साथ है। देखिए जिस तरीके से ये पोल का सिलसिला है, मैं कहना चाहता हूँ किसी पोलिटिकल पार्टी को इस तरीके से नापना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य थे, आज 272 बन के और सरकार है केंद्र के अंदर, तो पार्टी का चढ़ना उतरना रहता रहे, लोगों की पसंद ये मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं, जितना जो ट्विटर पर सामने आया और जो पोल पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपने अपना मत बताया है यहाँ पर। लेकिन सुशील असोपा जी, जिस तरह से लगातार बात की जा रही है सचिन पायलट को लेकर, गहलोत को लेकर, सीएम फेस को लेकर, सर बड़ी बात तो ये है कि अभी तो एक होकर जीतना चाहिए, चुनाव तो पहले जीतिए, सीएम की लड़ाई बाद में हो जाएगी कि सीएम का फेस कौन होगा। पायलट साहब ने तो खुद ही कहा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, यानी अब राहुल गांधी जी आने, अब नहीं आएगा, अब कोई बयान नहीं आएगा, आ रहे हैं वो शीघ्र ही। हाँ। और उसके बाद जो चुनाव का तौर तरीका जो तैयारी चल रही है वो सबके सामने आएगी और सारे नेता एक होकर लड़ेंगे, अब तक भी लड़ते रहे हैं, उसके ही वजह से ये परिणाम जो आप देख रहे हैं लगातार भाजपा के विरुद्ध जो माहौल बना है, वो सब नेताओं ने अपने अपने तरीके से भाजपा का विरोध किया है, कांग्रेस की नीतियों का प्रसार प्रसार किया है, उसी का परिणाम है। कोई हम तो नहीं समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा इसके अंदर। ओम सरी जी, ऑस्ट्रेलिया गए थे सचिन पायलट जब लालचंद कटारिया का बयान आया था, और कहीं ना कहीं कहा ये जा रहा था कि उन्हें फ्रंट में रख कर और पर्दे के पीछे से बैकफुट पर लाने की कोशिश आप सचिन पायलट को लेकर। ये ठीक नहीं है जो कुछ कटारिया जी ने बोला सचिन पायलट की एब्सेंस में, आप किसी से प्रदेश अध्यक्ष की एब्सेंस में ये से इसकी तारीफ कोई नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर ये सब चीजें होती रही हैं, 1952 से लेके आज तक कई घटक रहे हैं, जो विभिन्न घटकों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनमें तकरार होती रही है, लेकिन कांग्रेस जब एक साथ एकजुट होती है तो अपना असर दिखाती है। देखिए सबसे पहले टीकाराम पालीवाल लीजिएगा, उसमें जयनारायण व्यास लीजिएगा, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया लीजिएगा, हरदेव जोशी लीजिएगा, हरदेव जोशी और रामनिवास मिर्धा का त्रिंशन हुआ एक मतदान भी और उसके अंदर पराजित हुए, उसके बाद में हरदेव जोशी चीफ मिनिस्टर बने, अशोक गहलोत के साथ में भी यही है, ये कब इनके लिए फैसला किया हुआ था कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये सारा बैठने के बाद में विधायकों की राय लेने के बाद में फिर बनता है, यही इस बार भी होगा। ये कह देना कि राहुल गांधी जो कर देंगे वो फाइनल होगा, ये कह देना कि सोनिया गांधी कर देंगे वो फाइनल होगा, ऐसा नहीं होता है। जो विधायक हैं वो सारे बैठ करके तय करते हैं, वो कहने उसके बाद भी एक नाम सामने आता है, ये कोई डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है जैसा कहा जा रहा है। नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, जब अशोक गहलोत के बयान आया आपने कहा कि कभी बयान आ जाते हैं ऐसे, इसको बहुत हवा दे दी जाती है, लेकिन सर सीकर में हो, उदयपुर में हो, उदयपुर पर जब वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से उन्हें बीच में आना पड़ता है, यहाँ पर अपने बयान का खंडन करना पड़ता है, ये देखिए कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है। निश्चित रूप से जिस तरीके से अशोक गहलोत राजस्थान के 33 जिलों में लोकप्रिय है, उन्होंने काम किया है, लोग उनको जिस तरीके चाहते हैं, किसी को छिटकना नहीं देना चाहते, वो एकजुट करना चाहते हैं, तो एकजुट किसके लिए कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, और कांग्रेस के लिए कर रहे हैं तो कौन नेता है, सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना कि वो सचिन पायलट की खिलाफत में कर रहे हैं या सीपी जोशी की खिलाफत में कर रहे हैं या किसी और की खिलाफत में कर रहे हैं, नासमझी है। अच्छा, और इससे भटकना मैं समझता हूँ कि कांग्रेस वालों के साथ में अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यजनक होगा अगर इसमें भटकते हैं तो। कहीं भटकाव है नहीं, हम तो एक हैं सारे। चलिए आप सब एक हैं, बार बार यही बातें कही जाती है कि हम सब एक हैं, लेकिन सर एकता दिखनी भी तो चाहिए, ये तो दिख ही नहीं रही है। सुशील जी,
दिख ही नहीं रही है। जनता भी यही देखना चाहती है कि आपने कहा ओम सैनी साहब कि कांग्रेस के साथ जाना चाहती है जनता, लेकिन कांग्रेस को एकजुट देखना चाहती है जनता, अगर जनता कांग्रेस के साथ जाना चाहती है। लेकिन सुशील जी वो दिखना भी तो चाहिए सर, कहाँ दिख रहा है, रोज बयान आ रहे हैं ऐसे। श्वेता जी, जनता मान रही है कि हम एक हैं, तभी जनता समय समय पर जो परिणाम दे रही है पंचायती राज से लेकर के अभी रिसेंटली हुए बाईपोल तक, वो हमारी एकता के और कांग्रेस की नीतियों और भाजपा से जो निराशा हुई है उसके मिला जुला परिणाम है। और उसमें कांग्रेस एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रंट फुट पे होकर के एक होकर के काम कर रहा है, नीचे के लेवल पे अगर कार्यकर्ताओं में मतभेद होता, मनभेद होता, तो इस तरह से ग्राउंड रिजल्ट्स इस तरह के नहीं आते। आप पहले इन्होंने कहा इस रूप में लीजिए, पार्टी ही गांव की पार्टी है, बीजेपी शहरों की पार्टी है। हमने दिखाया कि हमारे पंचायती राज में ज्यादा जीत कर आ गए। पहले इन्होंने कहा ये उच्च वर्ण की पार्टी है, हमने कहा कि कांग्रेस की एकता की एससी एसटी पता ही नहीं लगेगा। पार्टी की बात भी अगर एक करते हैं, विधायक है मुसलमान, एक टिप्पणी में करना चाहता हूँ कि देखिए ये चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ में लागू होती है। भैरव सिंह जी शेखावत जैसा बड़ा नाम कभी भी स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं ला सका, लेकिन चेहरा जब से वसुंधरा राजे बनी है इन्होंने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। तो हैसियत वहाँ इन्होंने तय किया है कि हमारा एक चेहरा चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से राजस्थान में एक चेहरा चाहिए, और वसुंधरा जी का कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में चिंता तो इनको होनी चाहिए। इनको क्या चिंता, इनके यहाँ तो बाद में फैसला होता है जब सारे इलेक्ट होकर के आ जाते हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। अभी आपने कहा सुशील आसोपा जी, एक मिनट मनीष जी, सुशील आसोपा जी, अभी आपने कहा कि हम सब एक है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, क्या ये सब एक कांग्रेस बना पाएंगे? जिस तरह से अलग अलग बयान आते हैं, अलग अलग गुट की बात कही जाती है, सब सीएम की रेस में रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी जीत जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जिनका भी नाम ले रहे हैं वो सब सम्माननीय नेता हैं, उनसे के प्रति लगाव रखने वाले कार्यकर्ता, अगर उनके अंदर मतभेद मनभेद होता तो ग्राउंड से ये परिणाम नहीं आते। एक बार फिर संदर्श को बता दे, ट्विटर पर आज हमने पोल किया, सवाल था कि अर्जुन की तरह सचिन पायलट भेद पाएंगे, भाजपा को हरा पाएंगे यहाँ पर, लेकिन इसका जो जवाब था यानी जो परिणाम आए हैं वो इस तरह से कि 77% लोगों का कहना है हाँ, तो भाई 23% लोग नहीं के साथ है, यानी कि 77% लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाजपा को हरा पाएंगे, ये जो लक्ष्य है सचिन पायलट का वो इसे पूरा कर पाएंगे। बहरहाल हो जो भी, लेकिन मैच्योरिटी की बात जहां तक कही जा रही थी, जो उम्मीदें की जा रही थी अशोक गहलोत से कि वो अपने बयानों में मैच्योरिटी दिखाएंगे, सचिन पायलट को लोग युवा के तौर पर देख रहे थे, लेकिन आज उल्टा ही देखने को मिला। लगातार बयानों के बाद जहां खंडन अपने बयानों का अशोक गहलोत ने किया है, तो वहीं आज सचिन पायलट ने भी सदी हुई यहां पर प्रतिक्रिया दी, जिसको लेकर परिणाम आ रहे हैं, और शायद कांग्रेस के साथ इसलिए 77% लोग हैं जो आज हमने पोलिंग कराई। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं टेढ़ी नजर के साथ। We'll be right back.